हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रजनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मटर पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आती है। शादी और पार्टियों में तो ये अधिकतर बनाई जाती है, पर मैं अपने सिंपल तरीके से आज आपको ये बनाना बताऊंगी। आइए, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने रफली चॉप 2 मीडियम साइज़ टमाटर काट लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ की ही रफली प्याज काट ली है, 2 हरी मिर्च काट के रखी हुई है। ये मैंने 300 ग्राम पनीर ले लिया है, 1 कटोरी मैंने मटर लिया है, यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ और थोड़ी सी कसूरी मेथी। आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने पैन चढ़ा लिया है, 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। अब उसको हीट होने दूंगी, उसके बाद मैं उसमें कटे हुए प्याज ऐड कर दूंगी, तो मैंने रफली चॉप कर रखे हैं और इनको लाइट ब्राउन होने तक भून लूंगी। तो देखिए, हमारी प्याज थोड़ी सी ब्राउन होने लगी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, जो हमने 1 चम्मच लिया था, उसको भी हम प्याज के साथ ही भून लेंगे जब तक उसका कच्चापन दूर नहीं होता। अब हमारी प्याज हो गई है ब्राउन। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे और जो हमने चॉप किए हुए टमाटो थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इस मोमेंट पे मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, जिससे हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छी तरह चला के इसको इसका लिड बंद कर दूंगी और इसको 3 से 4 मिनट तक हम ऐसे ही पकाएंगे। ये देखिए, हमारे टमाटरों को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इनको गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए, हमने सभी चीज़ों का स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब मैं एक पैन रखूंगी और उस पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल चढ़ाया है। अब इस मोमेंट पे मैं इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करूंगी। गैस का फ्लेम हमें पहले हाई करना है और फिर उसके बाद लो कर देना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। उसी मोमेंट पे मैं इसमें 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दूंगी, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी ऐड कर दूंगी और उसको अच्छी तरह से लो ही रखना है हमें गैस का फ्लेम। और इसके तुरंत बाद ही मैं इसमें ये अपनी प्यूरी ऐड कर दूंगी। ये देखिए, कश्मीरी लाल मिर्च डालने से सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब मैं अपने इस मसाले को 5 से 7 मिनट तक मीडियम गैस पे कवर ढक के इसको पकाऊंगी। अभी मैं और मसाले भी इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा, उसके बाद हम अपनी प्यूरी को पकाएंगे। इस मोमेंट पे मैं इसमें 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूंगी, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी, ये थोड़ा सा मटर पनीर मसाला 2 चम्मच। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनने के लिए मसाला छोड़ दूंगी, जब तक कि हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब हम इसका कवर लगा दूंगी मैं और इसको पकने के लिए 5 से 7 मिनट छोड़ दूंगी मीडियम गैस पे। तो देखिए, हमारे मसाले को भूनते हुए 10 मिनट हो गए, अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इस मोमेंट पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ये मटर ऐड कर देंगे।
मटर के साथ ही हम इसमें पनीर भी ऐड कर देंगे। और ग्रेवी हम अपने अनुसार पतली या गाढ़ी कर सकते हैं। थोड़ी सी मुझे ग्रेवी अपनी गाढ़ी लगी है, मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी। अब इसे 10 से 12 मिनट हम दोबारा इसका कवर ढक के इसको पकाएंगे, ताकि मसालों का फ्लेवर पनीर के अंदर और मटर के अंदर अच्छी तरह आ जाए। अब मैं इसका कवर लगा दूंगी और 10 से 12 मिनट तक इसे फिर पकाऊंगी। मीडियम फ्लेम रखेंगे हम। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हमारी सब्जी को पकते हुए और ये ऑयल भी आ गया है ऊपर। इसका मटर चेक कर लेते हैं। देखिए मरावार मटर भी अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसको इसमें हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी डाल देंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मटर पनीर के अंदर। और थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा मटर पनीर बन के तैयार हुआ है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा मटर पनीर बनके तैयार है, बिना काजू के पेस्ट के और बिना क्रीम के। हमने कितना अच्छा मटर पनीर अपने घर में ही बना के तैयार कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके।